अपने गांव के आते हैं। वो रखा हुआ था ड्राइवर, वो अभी आया नहीं ड्यूटी से। मोहित मोहित ये पकोड़े ले आए, मस्त शो ऑफ किया, वो भी उन चीजों का जो है ही नहीं। जो भी मैंने बोला वो सब काल्पनिक बातें हैं, उनका वास्तविक 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 जाल में फंसते हुए नहीं देखा तो देखते रहिए। गई हो मछली तो गई हो तो एक साथ पाप और पुण्य की भागीदार हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा तेरा पाप भी और पुण्य भी। ढूंढे पकड़ ऑटो लग रहे। नहीं जी नमस्कार, आपको डोसा मंगाया ले। तो जो भी 20-30 लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सो गाइस दिस इज माय OOTD। अच्छा तो ये जीन्स है जारा की। अच्छा ये टी शर्ट है, ये भाई डेडपूल भाई है जो नहीं, ये भाई तो डेडपूल है नहीं, ठीक है। और ये टी शर्ट मैंने बाहर से मंगाई, यहाँ मिल नहीं रही थी। और ठीक है समरिया, क्या ही बोलना ना, शो ऑफ कितना शो ऑफ तो करूं, बात तो सही है। ये है पूमा के शूज जो मेरे लिए बनती थी, बनती थी मेरे ही है गाइस। बेचारे बुढ़िया हो गए। फुल शो ऑफ होगा आज के व्लॉग में, फुल शो ऑफ। ये हमारे गमले हैं, ये सब भी हमने बहुत दूर दूर जगह से मंगाए हैं। ये तुलसी माता है, सारे गमले बहुत दूर दूर जगह से मंगाए हैं हमने, इजीली अवेलेबल नहीं है गाइस ये गमले ना। ये नींबू का पेड़ है, ये घर है, ये गाड़ियां हैं, सारी हमारी हैं, सारी गाड़ियां हमारी हैं। अरे बस कर भाई, जितने घर में जितने सदस्य हैं उनकी दो दो गाड़ी, ठीक है, दो मंदिर की, दो मोहित की, दो मेरी, दो मम्मी की, सबकी दो दो गाड़ियां। ये मम्मी हैं, ये एक ही हैं हमारे पास, इकलौती माता हमारी। डल हमने बुलाई हैं मोटी माता। ए मेरी बहन को मोटी मत बोलती, होगी मोटी। तो मेरे प्यारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। अभी हम जा रहे हैं घूमने, क्योंकि घर ही घर में ना बहुत बोर हो गए थे। आज मंदिर दी की छुट्टी थी, मोहित अभी है नहीं घर पे, वो ऑफिस से अभी आएगा, आया नहीं है, अभी आएगा, तो हम बस घूमने जा रहे हैं। ये हमारी पड़ोसी है आरती, नहीं आरती, आरती सही बोला देखा। हाँ अब आप लोग सोच रहे होंगे जब हमारे पास इतनी सारी गाड़ी है तो हम स्कूटी में क्यों जा रहे हैं। स्कूटी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, सीखी नहीं ना। वो रखा हुआ था ड्राइवर, वो अभी आया नहीं ड्यूटी से। क्या हो रहा है, हरियाली जन्नत यहाँ, टीरी आई है टीरी, मस्त मजे, टीरी में जिंदगी है बहुत ही ज्यादा, पेड़ पौधे हरियाली। ये हम पहुंच गए हैं क्या है, साई चौक बोराड़ी, बोराड़ी। और ये है हवा महल जाने का रास्ता। अब मैं आपको दिखाऊंगी मंदिरी का बैग, मुझे पता नहीं आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। ये है अपनी दीदी का बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। ये है शराब की दुकान जो हम शाम को लेंगे घर आते टाइम पीने के लिए। और ये आ गई है गणेश शॉप, गणपति बप्पा मोरिया। ये क्या खुला रही है यहाँ पे, भगवान जी का जय हो। जूते जूते लेने मुझे, फ्यूल अप कराते हैं स्कूटी को, रुका उतर दी उतर। गाइस अपने शेड्स दिखाना भूल गई थी, ये पराडा के हैं। अच्छा गोदी में पहाड़ियों की उजली दोपहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे, शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजर आई एक नन्ही परी, परी का नाम है कालू परी। पहले ऋषिकेश जाते टाइम नहीं आता था एक रास्ता ऐसी, कितना अच्छा लगता था। और
आता है। मोहित बैठा हुआ वहाँ पे। हम बीपुरम पहुँच गए हैं दर्शकों। मोहित मोहित अभी पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। पुलिस यहाँ पे झील है जो अभी दिख नहीं पाई। डैम भी है और झील भी है। अभी कहीं पे रुकेंगे तो दिखाएंगे। बहुत ही मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं शाली नीने की आपके चैनल पे। ये देखिए गाइस, कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा ये सुंदरता जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। रिपोर्टर बन जाऊं मैं मम्मी? नहीं, ये झील है गाइस, टीवी झील। अश्रुधारा आ गई है। अश्रुधारा यहाँ पे पकोड़े मिलते हैं, बहुत टेस्टी पकोड़े। फैशन खराब हो गया गाइस मेरा। फैशन फैशन का है ये। चलो मंदिर फिर से देखियो एक बार। क्यों जा रही है हमें छोड़ के? मंदिर मत जा, रख दे बाबा। बाल पूरे खराब हो गए मेरे। मंदिर ने बनाए थे आज, इतनी मेहनत से मेरे बाल। तो मेरा बस चले तो मैं तो कभी ना बनाऊँ। तो हम यहाँ पे पकोड़े खाने रुके हैं। बहुत टेस्टी पकोड़े मिलते हैं यहाँ पे, गोभी के, आलू के, मूली के, बैंगन के, प्याज के। नहीं तो सब तो नहीं मिलते। ये पकोड़े ले आए, मस्त पकोड़े खाएंगे अब। तो अब हम खाएंगे पकोड़े और ये कोल्ड ड्रिंक भी लाई है। बहुत फेमस है यहाँ के पकोड़े। तो बीपुरम में है ये जगह और यहाँ पे है वो होटल। ओ पे होटल पेड़ आ गया अभी इस बीच में। ये है वो स्टॉल जहाँ से हम पकोड़े ले। मम्मी तो इतने दुख में आ रही। पता नहीं 1000 रुपये के पकौड़े लाए। 50 रुपये के लाए मम्मी। और 50 रुपये के पकौड़े वो भी हमने नहीं दिए पैसे, मम्मी नहीं दिए, चिल करो। क्या बोला मैंने? बोला नहीं। आप इतने दुख में खा रहे हो। लाल मिर्च जरूरी नहीं होता, किसी स्पॉट में जाओ, बीच बीच में रुकना भी होता है ना। तो रुकिन दी रुकी नहीं जब मम्मी ने बोला। जबरदस्त क्या दुष्ट है ये। मैंने बोला ना मम्मी यहाँ पे खाते हैं। आप लोग भी खा लो, ऐसे तो क्या ही खाओगे, फॉर्मेलिटी क्या ही करनी। बात तो सही है। आना आप लोग भी यहाँ पे खाना, मस्त पकौड़े। पूरा बाल बुल खराब हो गया। अच्छा खासा बो लगाया था कपाल पे, दिख रहा है बो ही वो बचा हुआ। बाल तो सारे गए। मम्मी लिमका की बहुत बड़ी शौकीन है, लिमका ही पीती है मेरी मम्मी। तो हमारे होने वाले पतियों जब भी होंगे याद रखना सासू माँ केवल लिमका पीती है, ठीक है ना। और मेरे पति दीदी केवल स्प्राइट पीती है, ठीक है। स्प्राइट नहीं पीती है। नहीं पीती? अच्छा चलो नहीं पीती। पकौड़े खाने के बाद हम लोग कोटी कॉलोनी के लिए निकल चुके हैं। अब बस पहुंचने वाले हैं। ठंडा लगने लग गया। ये हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल 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 की तरफ। गाइस यहाँ आने का पैसा पड़ता है जो कि पहले नहीं पड़ता था। भैया कितने रुपए? 20 रुपए। दे दो गाइस। 20 रुपए की पर्ची कटा के एक समय था जब हम यहाँ पे फ्री में आते। अब यहाँ पे पर्ची कटानी है, उसके बाद यहाँ घूमने के लिए मिले। ये टीरी झील पानी का स्तर बहुत बड़ा वो बढ़ चुका है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो बहुत बदलाव हो गया है। लड़खड़ा तो हो अजाम ढूंढ रहा हूँ। ये काम तो ज़रूर करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। इतने सारे स्टॉल्स भी हैं यार। हम यहाँ आ चुके हैं। मैं बहुत टाइम बाद यहाँ आ रही हूँ तो इतना बदलाव देख के मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं स्वप्न देख रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मनमोहक दृश्य। पानी बढ़िया है ना, पानी बढ़िया है गाइस।
बहुत ही भयंकर गाड़ी भी आ रही थी। गाड़ी नहीं यहाँ से स्टार्ट कर रही बंद नहीं हुआ। अच्छा उधर वाला वो सारा बंद हो गया। मम्मी यहाँ पे कैसे आपको ब्यूटीफुल वाह सारी बोट्स वगैरह जेट स्की वगैरह सब वाह। यहाँ तो मैं कभी भी नहीं आई यार। पागल है? पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। सच्ची में वहाँ पे जाओ ना। पर बहुत मस्त बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, मतलब मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतना कुछ हो चुका है। मज़े नहीं लाइफ। चंदा मामा भी आ गया पर दिखेगा नहीं अभी। खाना खाने कुछ खाने के लिए आए हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मम्मी को इडली खानी थी, इडली नहीं है और मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। फिर मंदिर जी ने चुपली बना दी छोटी सी, बाल ही नहीं बन रहे थे बिल्कुल भी, बिल्कुल भी बाल नहीं बनते मेरे। मैं बहुत वो हो गई हूँ, पौधे ले रहे हैं पानी नहीं डाल रहे और यहाँ पे ना गमले बहुत सूख गए हैं। तो मंदिर जी को उस बात की टेंशन हो रही, बोल रही पानी नहीं डाल रहे। वो देख नहीं रही पानी में गिर रहा है, पानी क्यों नहीं डाल। मूड खराब नहीं आ रहा मेरा ऐसी। तो फोटो नहीं खींचनी है, मुझे फोटो नहीं डालनी है, मुझे फोटो खिंचाने के। लोग ना लोकलों को वो नहीं करते क्या। आई लव टीरी। मैं मंदिर जी को पूछती रहती थी कहाँ पे है ये, फाइनली मुझे लेके आ गई उस जगह पे। जिंदगी से हारे दोनों के दोनों। क्या मैंने अभी पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दिया, अभी अच्छा लग रहा है ना। अभी मैं मासूम सी लग गई। तो हुआ ये कि यहाँ पे बहुत हल्ला भी हो रहा है और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है गाइस। मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। मैं आपसे ये बोलना चाहती थी कि मैंने आप लोगों से उपहास किया है। उपहास का मतलब पता है? उपहास माने हंसना, मजाक करना, शायद यही होता है। तो मतलब उपहास मतलब हंसाने, मजाक। मैंने आप सबसे मजाक ही किया था। गुच्ची पराडा शनैल होता है बंदे, क्या होता है नाम नहीं बोलना आ रहा गाइस। तो ब्रांड होना तो बहुत बड़ी बात है। बस ऐसी मजाक मस्ती कर रही थी यार। वैसे भी इतने दिन से व्लॉग नहीं आया कोई भी, कुछ गए ही नहीं कहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसे मनोरंजन करते हैं, तो थोड़ा बहुत शो ऑफ किया, वो भी उन चीज़ों का जो है ही नहीं। बस यही ज़िंदगी है, आम लोग हैं, आम ज़िंदगी है। मैंगो पीपल, मैंगो लाइफ, मैंगो डे, क्या होगा। बस चल रही है ज़िंदगी, कट रही है। देखो इनकी ज़िंदगी सेल्फी लेके कट रही है, मेरी ज़िंदगी आप लोगों से गप्पे मार के चल रही है। ये हमारी बादाम ठंडाई आ गई है। तो गाइस मैं ये कह रही थी कि मैंने आप लोगों से उपहास किया था। जो भी मैंने बोला वो सब काल्पनिक बातें हैं, उनका वास्तविकता उन सब बातों का वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। बस मैं आप लोगों से उपहास कर रही थी और मेरा मकसद था आप लोगों को एंटरटेन करना। एंटरटेनमेंट वाव। और मेरे को बस यही बोल रही थी। अभी बस खाना जो आ रहा है उसका वेट करते हैं। वैसे यहाँ पे अभी आएगा भैया। मैं तो इनको पहचान ही नहीं पाई, ये सोनू निगम आएगी। सोनू निगम सर को मेरा प्रणाम। भैया मच्छी पकड़ रहे हैं, तू भी आना।
मगरमच्छ, पहले यहाँ मगरमच्छ भी था ना? ये भैया मच्छी पकड़ते हैं। आएगी मच्छी? अरे आटा लाता हूँ तो आटा तो देखती रहो। वाह, क्या आपने पहले कभी देखा है मच्छियों को? मच्छियों को क्या जाल में फंसते हुए नहीं देखा? तो देखते रहिए मतलब। भैया ना आटा लेने गए हैं मच्छियों के लिए। भैया आटा लेंगे, देख इसलिए बोलते हैं लालच बुरी बला है, ठीक है मंदिर भी। बस जान से हाथ गवा देगी। इंतजार करते हैं। क्या अभी आएगी ना? देख तो आई, वो देख, वो देख। हाँ हाँ, मुझे तो दिख रहा है आ तो रही होगी भाई। अभी इसके ब्राइटनेस कम हो रही है ना, पता नहीं चल रहा। ये दिख दिखी दिखी भाई, गई हो मछली तो गई हो। इतनी सारी आ गई। फिर को सीधा तोड़ तोड़ के आटा, जो छोटी छोटी कैमरा मत गिरा करो, पकड़ना कुछ काम कर ले भैया। अरे ओ अच्छा, मछलियों को आटा खिलाएंगे फिर मछलियों को खाएंगे। मैंने खा दिया, तू खिलाएगी? ना, मछलियों को खिलाने से तुझे पाप मिलेगा, तू एक साथ पाप और पुण्य की भागीदार हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा तेरा पाप भी और पुण्य भी, ये तू जीरो पे आ जाएगी, ठीक है? चल मैं अपनी फोटो खींच रही यार। तो अभी आपने मुझे देखा मच्छियों को दाना डालते हुए, जो कि मैंने पहली बार या शायद दूसरी बार डाला होगा। ये भैया लोग कुछ बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया। क्या नाम है ये? मुरुगन कैफे। मैंने कोल्ड कॉफी मंगाई थी। दिस इज माय कोल्ड कॉफी चिली कुटा। अलग अपनी ढूंढे पकड़ ऑटो लग रहा है। खत्म हो गई कोल्ड कॉफी, मतलब कम हो गई। अभी मैंने खींची थी फोटो बढ़िया से ढूंढे पटाडो। मंदिरी ने इनका नाम ढूंगू पटाटू ढूंगू पटाटू रख दिया। अब हम खाते हैं। ओके गाइस, मसाला डोसा खाएगी मम्मी, पूरा खाएगी मम्मी। मैं अपने भाई को इशारा कर रही हूँ कि यहाँ नहीं जी नमस्कार, आपको डोसा मंगाया। मेरी वाली फोटो खींच दे। ऐसे भी इतने लोग मेरी वीडियो को देखते नहीं है, पर जो भी देखता है ना, 20-30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। पेट भर गया क्या? करते पैक करा लेंगे, फंस गई मैं डालूंगी क्या जैसे ही अभी मैं डालूंगी, कोई बात नहीं, ये जाएगा। मैं अब नहीं करूँ, अब बहुत हो गया। तो जो भी 20-30 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। 20-30 में भी खुश हूँ यार मैं, मतलब ज़्यादा मिलेगा तो उसमें भी खुश होंगी, पर 20-30 में भी खुश हूँ। खुश छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ। दे दो क्या दबा, खा ले दे, खा ले। और बहुत कचर वचर खा लिया है, अभी फ्रेश लाइम पी रहे हैं। मोहिता यहाँ पे कीड़े आ गए, बहुत सारे कीड़े।
पे कीड़े आ गए थे बहुत सारे, अभी जैसे कैमरे खोला गायब हो गए। ये देखो 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 दिख रहे हैं बाप, अरे बाप रे बाप, इतने सारे हैं ना ये। चलो यार चल रहे हैं। एक मून लवर और मून की वीडियो ना बनाए, ऐसा कैसा हो सकता है। चांद देखिए सुंदर, ये देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है। प्यारी मम्मी पोज देते हुए, और ये फोटोग्राफर मम्मी चल मोहित के साथ जा रही है स्विट्जरलैंड। हम जा रहे हैं आसपास का बताओ कुछ, हम जा रहे हैं टिपरी स्विट्जरलैंड के आसपास का बताना सब टिपरी वाले तीन गाँव ही जा रहा इनको कहाँ ले जाएंगे शहर, ये ख्यालों में भी मतलब ये फदोलियों में भी जा सकते थे इनको इनको फदोलियों में सपने भी नहीं आते सपने में गांव के आते हैं कई बार फॉरेन कंट्री के नहीं आते इनको फदोलियों में भी नहीं जाना ये तो कोई नए घर है यहाँ खरीदने में कर मैं फदोलियों में कम से कम पराडा गुच्ची जारा तो पहन रही हूँ ये तो फदोलियों में भी धोती पहन रही ये बाग है, ये बाग है या बगीनी है मतलब इनका नाम है बाग बगीनी। क्या यार आप लोग भी मजाक नहीं समझते। ये मंदिरी का मेरा घर है कावेरी हाउस, सॉरी कावेरी नहीं स्वाति हाउस कावेरी गलती से लिख दिया था इसमें स्वाति ने ही नंबर नहीं दूंगी सीधा एक्सिस बैंक में। अरे चांद मामा देख वो वाली बोट बन रही है तो जगह तो बहुत मस्त थी बहुत। वैसे तो मैं यहाँ भी करा सकती हूँ अपनी शादी, शादी यहाँ हाँ। और यहाँ पता भी इनका रेंट कितना है? वैसे भी तो खर्चा होता ही है भाई, मामूली खर्चा। इसका एक का रेंट है 15,000 रुपये। अंदर कौन रहेगा हाँ, बाहर रहने वाले कहाँ जाएंगे। अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पे आके। अभी वैसे यहाँ पे ना गर्मी हो रही है, टीरी में नहीं होती गर्मी, अभी थोड़ा गर्मी लगी। अरे क्या हुआ बैठो, तो हमको लेने क्या आया, हम तो बात करते हैं भाई हमें लेना है बैठना पैर हवा में रखना, पैर हवा में रखना। ये तो मतलब पैर तोड़ रही है उसको, मैंने तो हवा में रखे हुए हवा में कम पड़ नहीं हम मोहित ने साथ मर गई थी मर गई। अरे स्विट्जरलैंड नहीं बाकी क्या वो वीजा नहीं था आप बताओ जाओ मम्मी आप मंदिर के साथ।